हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसमें बोला है यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें बोला गया है हमें 135 एंड 225, इसका HCF फाइंड करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगर अब यूज़ करेंगे तो वो होता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 225 को 135 से, तो 135 135 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 90। अब हमारे पास रिमाइंडर 90 बचा है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो हमारे पास जो डिविडेंट है वो है 225 इक्वल टू, हमारा डिवाइज़र जो है 135 है, इनटू कोशेंट 1 है, रिमाइंडर 90 है। अब दोबारा इस स्टेप को यूज़ दोबारा अप्लाई करेंगे, लेकिन अब जो हमारे यहाँ पे डिवाइज़र था यहाँ का डिविडेंट बन जाएगा, तो 135। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास बचा 45। अगेन लिखेंगे, अगर मैं इस स्टेप को लिखूं 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 45। तो अब दोबारा स्टेप यूज़ करेंगे, अब जो 90 है डिविडेंट हो जाएगा 45 टू जा 90, अब रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है 0। तो इस स्टेप को लिखेंगे 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब लास्ट स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है 0 बचा है, और किससे डिवाइड करने पर 45 से। तो जो HCF होगा, HCF ऑफ 135 एंड 225, वो हो जाएगा हमारा 45। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में बोला है 196 और 38,220, इसका HCF निकालना है। तो इसके HCF के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। अगर यूज़ करेंगे तो हमारे पास, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 38,220 को 196 से, अगर 196 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 196 वनजा जो होगा 196 हो जाएगा। माइनस करने पे हमारे पास जो आया यह आएगा 6, यह आएगा 8, और यहाँ बचा हमारे पास 186। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 है, 196 नाइनजा 1764, माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 8 और 9 और यहाँ 0, तो नेक्स्ट 0 उतारा। 196 फाइव ज़ा हमारा होता है 980, रिमाइंडर हमारे पास 0, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम हमारे पास जो था वो था a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या होता है, डिविडेंट, यहाँ पर डिविडेंट हमारे पास ये था तो यहाँ लिख दिया 38,220। बी हमारा डिवाइज़र है और यहाँ 196 था, कोशेंट 195 प्लस रिमाइंडर लास्ट में बचा 0। अब 196 से डिवाइड करने पर ही हमारे पास 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो हमारा जो इसका HCF होगा, HCF 196 38,220, इसका HCF हो जाएगा हमारा 196। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में है 867 एंड 255, इसका HCF निकालना है। अब इसके लिए भी अगर मैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करूं तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा इसे। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 867 को 255 से, तो 255 थ्रीज़ा होता है हमारा 765। माइनस किया, माइनस करने पे 7 में से 5 गया 201, हमारे पास रिमाइंडर ये बचा। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से अगर मैं लिखूं, डिविडेंट हमारे पास है 867, डिवाइज़र 255,
इनटू क्वेश्चन थ्री रिमाइंडर 102। अब जो ये रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा और जो यहाँ डिवाइज़र था वो डिविडेंट हो जाएगा। तो 255 102 के टेबल में 2 पर आता है, 204 माइनस किया 51 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे तो 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। अगेन अब जो रिमाइंडर था उससे 102 को डिवाइड करेंगे तो 51 टू ज़ा 102, माइनस करने पे 0 रिमाइंडर हो गया। तो ये हो जाएगा 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब लास्ट स्टेप में 51 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो HCF जो होगा 867 और 255 का वो होगा 51। ये था फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का।